और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर मुद्दे का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद उनके आंसू छलक गए, भावुक हो उठी लॉकेट चैटर्जी। ये बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई लॉकेट चैटर्जी, मणिपुर पर बोलते हुए भावुक हुई। देश की बेटियां कहां जाएंगी, ये सवाल इन्होंने किया, बेटियों को कौन बचाएगा। लॉकेट चैटर्जी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद इनका दर्द इस तरीके से छलका, बंगाल हिंसा पर बोलते हुए रोई, देश की बेटियां कहां जाएगी। इसके अलावा मणिपुर का भी इन्होंने जिक्र किया है और सवाल पूछा कि आखिरकार बेटियों को कौन बचाने आएगा। लॉकेट चैटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस दौरान भावुक हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल में हुई हिंसा का भी जिक्र किया, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर के बातें सामने रखी। इसके अलावा मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अधीर चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर के घटना के लिए बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो। और इन सबके बीच में देखिए, संसद में संग्राम चल ही रहा है मणिपुर मुद्दे को लेकर के, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जम करके हमला बोला बीजेपी पर। उन्होंने कई सारे सवाल किए, खास करके बीजेपी द्वारा दिए गए नारे को लेकर के, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी, जिसके साथ आगे बढ़ती है बीजेपी, कहां गया वो? ये ममता बनर्जी ने सवाल पूछा केंद्र सरकार पर। ममता का ये बड़ा हमला है और ममता बनर्जी ने कहा अगले चुनाव में महिलाएं इसका जवाब देंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, अब आपका नारा कहां है? मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है, इस बार चुनाव में महिलाएं ही आपको जवाब देंगी। आज महिला का इज्जत लेके आज लूट कर रहा है। महिला कौन है? हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा बहन है, हमारा सिस्टर है। अगर महिला का इज्जत आप लेंगे तो सुन लीजिए, आने वाला चुनाव में महिला लोगों ने आपको इंडिया से दूर में फेंक देंगे राजनीति के लिए। अगर मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा। उसको फेंक दो तब आपको शांति मिलेगा। हम कुर्सी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। वो देश को बेचने जाता है, हम देश को रक्षा करने चाहते हैं। देश के हमारा रक्षा करते चाहिए, देश के हमारा बचाते चाहिए।